डिस्कॉर्ड पे मैक्सिमम रिस्पांस दे रहा है। तो समराइज करूं मैं, हमने करना क्या है, हमने बोलना है कि हमारा लॉस फंक्शन डिफाइन करना है सबसे पहले। और लॉस फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, हमें जो है अपने फिल्टर के आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा लॉस फंक्शन फिल्टर का आउटपुट होगा। तो हमने जो है अपने फिल्टर के आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, तो फिल्टर का आउटपुट है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट इमेज। जो भी डेरिवेटिव आएगा, ग्रेडियंट जिसको कह रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी ग्रेडियंट आएगा, ग्रेडियंट जो है उसको ग्रेडियंट एसेंट में क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट को देखते हुए उसके हिसाब से हम वेट्स को एडजस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें वेट चार बज गए सर की लाइट चली गई होगी। हाँ सर की लाइट चली गई है यार, बस उठो सब उठो। मुझे अंडे वाला बर्गर। अबे चुप कर, सर सुन रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग जो है पिछली क्लास की हो गई है, उससे से उठा लूँगा मैं। ठीक है, तो हमने जो है ग्रेडियंट सेटअप किया, और एक हमने फंक्शन डिफाइन किया जिसको हम इनपुट देंगे तो दो चीज़ें कैलकुलेट करेगा वो, लॉस और ग्रेडियंट। लॉस कैसे कैलकुलेट करेगा, लॉस का फॉर्मूला हमने दे दिया, ये फॉर्मूला लॉस का है। जैसे कि मैंने बताया, जब आप बैकअप बैकएंड जो है इस्तेमाल करते हैं, कीरास का बैकएंड, तो आप पहले जब फॉर्मूले देते हैं, कैलकुलेशन बाद में स्टार्ट होती है जब आप बोलते हो कैलकुलेशन करने के लिए। अभी तो सिर्फ फॉर्मूले दे रहे हो, अपना लॉस का फॉर्मूला दे दिया, ग्रेडियंट का फॉर्मूला दे दिया, तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेगा। एक फंक्शन बनाया हमने जो कि लॉस कैलकुलेट करेगा, ग्रेडियंट एसेंट का एक फंक्शन बनाया जो कि लूप चलाएगा, लॉस और ग्रेडियंट कैलकुलेट करके लाएगा, और हर स्टेप पे जो है इनपुट को अपडेट करेगा। वही काम जो हम पहले करते आए हैं, हर स्टेप पे इनपुट को अपडेट करा रहे हैं। ठीक है, कुछ हेल्पिंग फंक्शंस बनाए हैं हमने, जैसे कि मैंने बताया कि डीप ड्रीम के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले सबसे छोटे साइज पे कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसको रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज का मेथड हमें चाहिए जो इमेज को रिसाइज कर देगा, ठीक है, जूम कर देगा। ये साई पाई का एक मेथड है, हम यूज़ करेंगे। ये सेव करने का मेथड बनाया हमने, प्रोसेस इमेज का मेथड बनाया। अब हमने जो है यहाँ पे इमेज का पाथ दिया है, स्टेडियम डॉट उसके बाद हमने वो तमाम स्टेप्स लिख लिए जिन 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 साइज की हमारी इमेज बनेगी। आपने पहले सबसे छोटा साइज लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000x800 की इमेज है आपकी, तो आपने बोला पहले 100x80 पे प्रोसेस करेंगे, फिर 200x160 पे प्रोसेस करेंगे, फिर 300x240 पे करेंगे। इस तरीके से साइज बढ़ाते रहेंगे, तो जो जो साइज पॉसिबल होंगे वो हमने एक लिस्ट के अंदर सेव कर लिया। ठीक है, अब हम जो है प्रोसेस कराते हैं। तो ये जो लिस्ट है सक्सेसिव शेप्स, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास
मुख्तलिफ साइजेस पड़े हुए हैं। सबसे पहले छोटा साइज, उस पर प्रोसेस किया हमने, ग्रेडियंट एसेंट चलाया, जो भी आंसर आया, फिर इमेज को अगले दफ़ा में रिसाइज करा, फिर बड़े साइज पे करा, तो मुख्तलिफ साइजेस पे इस तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ साइज पे प्रोसेस करेगा, देखते हैं क्या करता है हमारी इमेज के साथ। ये तो करना क्या है, हमने लॉस डिफाइन करना है, लॉस किस तरीके से डिफाइन होगा, ऐड करना है, और लेकिन जो है वेटेड रखना है, उसको वेट्स एडजस्ट करने होंगे हमें, किसी के आउटपुट को कम वेट देना है, किसी के आउटपुट को ज्यादा वेट देना है। उसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करना है, ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करना है उसके ऊपर। ग्रेडियंट एसेंट अप्लाई करने के बाद जो है जो भी आउटपुट आएगा उसमें इमेज को एडजस्ट करना है, इमेज हमारी एडजस्ट होती रहेगी हर स्टेप में। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक काम और कर रहा है, ये देख रहे हैं ओरिजिनल इमेज और जो हमारी लॉस है, जो कि सेम साइज ओरिजिनल इमेज और दूसरी इमेज जो कि छोटी इमेज थी जिसको हमने जूम किया है, उन दोनों में कितना माइनस करा है, तो ये लॉस डिटेल आ गई। अब नहीं ब्रेक हो रही होगी आवाज, थोड़ी देर पहले हो रही थी। तो अब आप देखें इमेज जो है हमारी, ये मुख्तलिफ स्टेप पे क्या इमेज बन रही है वो दिखा रहा है। तो आप देखें ये आर्टिस्टिक स्टाइल आता जा रहा है, इमेज बड़ी होती जा रही है, ये ओरिजिनल इमेज है और ये आर्टिस्टिक इमेज बन रही है। ठीक है जी, ये आप जरा प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं एक दफा आखिर में दोबारा इसको रिवाइज करवाता हूँ, 15 मिनट दे रहा हूँ इसको, जरा आप लोग प्रैक्टिस कर लें। जी बुक में कोड है,
अच्छा अक्सर आपका जो काम है ना ये तो इसके लिए आपको पहले जो है ना बहुत सारी इमेजेस चाहिए होंगी, जिसमें आप काम तो सिंपल सा है, इमेज होगी क्लोथ की और साथ में आप ये प्रेडिक्ट करोगी कि इसकी प्राइस क्या है। सिंपल रिग्रेशन का काम है ये, तो आप जो है इसमें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क लगाओगी पहले, जिसके थ्रू जो है पिक्सल वाइज प्रोसेसिंग होगी इमेज की, और उसके बाद जो है डेंस लगा के आप जो है डेंस में आखिरी लेयर में जो है आप कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं दोगी, लॉस जो है मीन स्क्वायर एरर डिफाइन करोगी, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको जो है बहुत सारी इमेज चाहिए होंगी और साथ में उसकी प्राइस क्या है, तो फिर कोई भी इमेज देखेगा वो इनपुट उसकी प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा होगा।